अदालत ने ते तेनु माफ कर दिता। मैं तेनु यकीन दुआना कि कानून तेनु कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ सच सच दस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। अदायतकार नजरुल इस्लाम ने जदों पंजाबी फिल्म काले चोर बुलाने का फैसला किया, उन्होंने इस फिल्म का स्क्रिप्ट नासर अदीब को लिखाया और जदों स्क्रिप्ट मुकम्मल होकर उन्होंने सामने आया तो बहुत ही जानदार किस्म का स्क्रिप्ट सी और इसके जुमले इतने शानदार सन कि जुल्म 24 घंटे तो इंसाफ 8 घंटे और इस विच कबीरा का किरदार सी जिहड़ा बहुत शानदार दबंग किस्म का रोल सी और इस करैक्टर वास्ते उन्होंने इस किस्म का एक दबंग हीरो चाहिदा सी। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री सुल्तान राई साहब छाए हुए सन, क्योंकि अदायतकार नजरुल इस्लाम सुल्तान राई नूं एक्टर नहीं मनते सन। मेरा प्यो मैनूं बाहों फड़ के कचहरियां से लै गया, जजा कोल गया, लेकिन फिर भी उन्होंने राई साहब नूं पैगाम भेजा कि मैनूं 2.5 घंटे की फिल्म वास्ते एक गुंडे की जरूरत है, यानी कि एक्टर नहीं किया। उन्होंने कहा इस 2.5 घंटे की फिल्म वास्ते मैनू एक गुंडे की जरूरत है। खैर सुल्तान राई नूं जदों पैगाम मिलिया उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वह नजरुल इस्लाम साहब की बहुत रिस्पैक्ट करते सन और वह भी यही चाहते सन कि नजरुल इस्लाम जैसे डायरैक्टर के नाल काम करन। खैर वो आए, उन्होंने काम किया, काम करने तो बाद जब यह फिल्म कंप्लीट हुई नजरुल इस्लाम साहब ने पब्लिक विच बैठ के इस फिल्म नु देखिया। जो सुल्तान राई साहब की इंट्री होती सी, सुल्तान राई साहब की इंट्री ते पब्लिक ने जो बेहंगम किस्म का शोर मचाया, सीटियां मचाइया, हल्ला गुल्ला किया, अदायकार नजरुल इस्लाम साहब सैलमे तो बाहर आ गए। तो वेखण वाले ने यह वेख्या कि उन्होंने अपने कना नु हाथ लगाया कि यार पब्लिक इन्ना इस शख्स नाल प्यार करती है, इन्ना इन्हू प्रोटोकॉल देती है। दोबारा नजरुल इस्लाम साहब को सुल्तान राई की जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब उन्होंने मैडम बाबरी बनाई। मैडम बाबरी जावेद शेख ते नीली दी मुश्तरका फिल्म सी। मजलूम मुकाले जमिया ते पाकिस्तान साल मुकाले तदाया अपने जुल्मों याद करके। और फिल्म कंप्लीट हो चुकी सी, लेकिन कोई भी तकसीमकार इस फिल्म नू रिलीज करने वास्ते तैयार नहीं। सब नू पता सी कि यह फिल्म एवेन्यू पिक्चर्स दी है, लेकिन इस दे बावजूद कोई भी इस फिल्म नू रिलीज करने का रिस्क नहीं ले रहा सी। आखिरकार यह तय पाया कि इस फिल्म विच एक मुख्तसर जा किरदार लिखाया गया फोकी शाह का। फोकी शाह का किरदार लिखाया गया और इस तो बाद इस करैक्टर वास्ते सुल्तान राई नू कास्ट किया गया। जब सुल्तान राई नू कास्ट किया गया, उन्होंने काम कंप्लीट किया गया, तो जदों पोस्टर के उत्ते राई साहब की तस्वीर लगी तो यह फिल्म हथों हथ विकी और इस तरह इस फिल्म ने कामयाबी हासिल की। मैं इतने कब्रस्तान वेखण नहीं, कब्र कहण का मकसद ये कि राई साहब एक ग्रेट एक्टर सुन, अदायतकार नजरुल इस्लाम उन्होंने एक्टर नहीं मनते सुन, लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल देख के आवाम की उन्होंने मुहब्बत देख के वो ये मनने ते मजबूर हो गए कि सुल्तान राई वाकई एक अच्छे एक्टर सन। नाजरीन अगर तुहानू मेरी मालूमात अच्छी लगी होवे तो मेरे चैनल नू सब्सक्राइब लाइक ते शेयर कर दिओ। तुहाडा बहुत शुक्रिया।